प्रभु यीशु का जन्मोत्सव इंदौर शहर भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं शहर के 9 चर्चों एवं क्रिश्चियन यूनिटी के साथ बेटमा में भी गौशाला सजाई गई। रात 10 बजे से ही आयोजन शुरू हो गए और रात के 12 बजे होली मास का आयोजन किया गया। वहीं क्रिसमस को लेकर शहर में बाजार और माल सज गए हैं। चर्चों पर आकर्षक रोशनी की गई और फ्लावर पेंटिंग से झांकियां सजाई गई। बाजारों में हैंगिंग सेंटा क्लास, पेंसिल, बेल स्टार सामान की मांग बढ़ गई है। सप्ताह भर से शहर के सभी चर्चों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जैसे ही रात के 12 बजे शहर के चर्चों में घंटे बजाए गए और जन्मोत्सव की मिस्सा का आयोजन किया गया। MGM चर्च काली बिल्लो और बेटमा के होली रोसरी चर्च में इसका आयोजन किया गया। फादर संतोष टिंगिया द्वारा बताया गया कि चर्च में कैंडल जलाए गए और आकर्षक गौशाला भी सजाई गई, जिसमें प्रभु यीशु के जन्म की झांकी सजाई गई। कैथोलिक गाने गाए गए और प्रेयर भी हुए। रात 12 बजते ही यीशु के जन्मोत्सव के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर और हाथ मिलाकर बधाई दी। वहीं कैंडल जलाया गया, केक भी काटा गया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए गए। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्रिसमस हम सब हर वर्ष मनाते हैं और हम ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु का जन्मदिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए हम माह भर पहले से ही आगमन काल से शुरू करते हैं और तैयारियां करते रहते हैं और 25 दिसंबर को हम बड़े धूमधाम से बालक यीशु का जन्मदिन मनाते हैं और हम याद करते हैं कि बालक यीशु इस दुनिया में हमारे लिए शांति का संदेश लाए, मुक्तिदाता बनकर आए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आए और हमें इस दुनिया में बालक यीशु प्रेम का पाठ सिखाया है। इसका जो आयोजन होता है वो क्या रात भर चलता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है? हम इसको रात को हम जागरण क्रिस्तिया के रूप में मनाते हैं और हमें रात्रि जागरण के बलिदान में सभी क्रिस्तीय विश्वासी भाई बहन उपस्थित होकर बालक यीशु का जन्मदिन को मनाते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फादर संतोष टिग्गा, होली रोजरी चर्च बेटमा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।